हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एक स्ट्रेटनर की मदद से अपने बालों में कर्ल्स कैसे कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यू नीड टू मेक श्योर कि आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं हो। इट डजंट मैटर आपके बाल छोटे हैं, बड़े हैं, थिक है, फाइन बाल है, बहुत ज्यादा पतले बाल है, इट डजंट मैटर। आपने जो है वो पार्टीशन लाजमी करना है बालों का। सो टू डू द पार्टीशन, मैं अपने ये जो ईयर्स का जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे कान, वहाँ पर एक अपनी फिंगर रखूंगी एंड देन सेकंड फिंगर ऑन दी सेकंड ईयर, और मैं यहाँ से अपनी फर्स्ट पार्टीशन करूंगी। यूजुअली जो है वो मैं चार हिस्सों में बालों को कर्ल करती हूँ। सो इट मींस कि चार सेक्शंस होते हैं बालों के। सबसे पहला सेक्शन जो है वो मैं यही लेती हूँ, मैं अपने हाथों से ही सेक्शंस कर रही होती हूँ, मैं कोम यूज नहीं करती। तो बिल्कुल यहाँ से टॉप ऑफ द ईयर से मैं अपने हाथ को बिल्कुल पीछे बैक ऑफ द हेड तक लेके जाऊंगी। जितने भी बाल मेरे हाथ में आएंगे वो सब जो है वो मैं अलग कर दूंगी। डजंट मैटर कि बहुत इक्वल पार्टीशन होना चाहिए, आपकी बिल्कुल एक सीधी लाइन आनी चाहिए। जब आप कर्ल करते होते हो इट डजंट मैटर, और हम कोई प्रोफेशनल सैलून में नहीं है, एंड इट डजंट मेक एनी बिगर डिफरेंस, सो इट्स ओके। ऐसी टेढ़ी मेरी ज़िगज़ैग लाइन है तो भी चलेगा। सो ये वाले बाल जो ऊपर टाई कर दूंगी, बाकी के जो बाल रह गए हैं उस पर हम काम करेंगे। आई लुक फनी, मैं सिर्फ एक ही क्लिप यूज करती हूँ फॉर द पार्टीशन, सो मेरी जिंदगी आसान हो जाए। तो है मैं बहुत अच्छे से कोम कर लूंगी। कोम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बालों में नॉट्स रह जाएंगी तो आपके कर्ल्स सही से डलेंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि बिल्कुल बाल स्मूथ हो, आपकी फिंगर्स बिल्कुल इस तरह से जो है आपके बालों में से गुजर रही हों। नेक्स्ट स्टेप मैं ये करती हूँ कि मैं या तो हीट प्रोटेक्टेंट लगाती हूँ या फिर मैं कोई एक सीरम यूज करती हूँ, सो दैट जो मैं हीट अपने बालों में लगाऊंगी वो उसका इफेक्ट ना हो ज्यादा। फॉर सीरम आई यूजुअली यूज वसीम बादामी का आर्गन हेयर सीरम, एंड कभी कभार जो है वो मैं लेवॉन का हेयर सीरम भी यूज करती हूँ। इससे थोड़े से बाल मेरे ऑयली हो जाते हैं या ज्यादा शाइनी हो जाते हैं। इसका एक पंप मैं लूंगी एंड मैं फिंगर की मदद से अपने ये वाले सेक्शन पे भी लगाऊंगी और मैं ये वाले सेक्शन पे भी लगाऊंगी। मैं इसका भी हाफ कर दूंगी, इसे बाल लूंगी मैं और हम ये वाले बालों पे आप काम करेंगे। अभी मेरा स्ट्रेटनर जो है वो प्लग इन नहीं हुआ हुआ, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरह से, किस टेक्निक से आपको अपने बालों को कर्ल करना है। आई मेक श्योर कि मैं एक दो या तीन इंचेस दूर से मैं स्ट्रेटनर को रखूँ। अब आप स्ट्रेट करने के लिए आप बिल्कुल नीचे जिस तरीके से आते हैं उसी तरह आपने नीचे आना है। इतनी लेंथ तक जो है ना मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं चाहती हूँ कि मेरे कर्ल्स शुरू हो, तो मैं यहाँ पर आके रुक गई हूँ। अब यहाँ से मैं अपनी स्ट्रेटनर को अपनी तरफ कर्ल करूँगी, अपनी फेस की तरफ मोड़ूंगी। ठीक है, हमें 360 पूरा घुमाना है स्ट्रेटनर को। मैंने यहाँ पर आके मैं स्टॉप हो गई और फिर यहाँ से जो है मैं अपने स्ट्रेटनर को ट्विस्ट करूँगी, 360 घुमाऊंगी। अब जैसे मैं अपने स्ट्रेटनर को घुमा रही हूँ तो आपको ये दिख रहा है कि ये वाले जो बाल हैं वो भी साथ साथ इस तरफ आ रहे हैं। इसको हमें आने देना है और हम इसको इसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अब ये वाले स्ट्रैंड के ऊपर मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, मेरा जो है वो स्ट्रेटनर हाफ वे घूम चुका है, मैं इसको पूरा घुमाऊंगी एंड इस टाइम पर मैं अपने स्ट्रेटनर को इस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। आपको 45 डिग्री के एंगल पे अपने स्ट्रेटनर को होल्ड रखना है। अब यहाँ से आपको ये वाले स्ट्रैंड को पकड़ के रखना है और आपने नीचे की तरफ आना है, डाउनवर्ड्स, जस्ट लाइक दैट, और आपके कर्ल्स हो जाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। अब मैं अपने स्ट्रेटनर को प्लग इन करती हूँ। मैं प्लग इन किए बगैर इसलिए बता रही थी क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा बालों में लगेगी तो बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो अब जब मैं प्लग इन करूँगी तो मैं इतना स्लोली नहीं बनूंगी, मैं थोड़ा सा क्विकली करूँगी बालों को। बाय द वे मैं यहाँ पर रिमिंगटन का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने शायद दराज से मंगाया था, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से आप अपनी हीट को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यूजुअली जो है उसको 220 पे रखती हूँ, 200 और 220 पे रखती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स चाहिए होती तो मैं इसको 230 तक भी ले जाती हूँ, अदरवाइज मैं 200 या 180 तक जो है इसको रखती हूँ। जैसे मैंने मेंशन किया था बिफोर, आपने इतने से बाल लेने हैं एंड देन मैं अपना स्ट्रेटनर यहाँ रखूँगी, थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगी एंड देन मैं अपने स्ट्रेटनर को टर्न करूँगी। मैं इस बालों को पीछे ले जाऊँगी और स्ट्रेटनर को 45 डिग्री के एंगल पर ले आऊँगी। अब स्लोली मैं नीचे की तरफ लेकर आऊँगी। ये थोड़े से लूज कर्ल्स हैं, मैं यूजुअली
और नॉर्मल डेज पे इसी तरह के कर्ल्स कर रही होती हूँ। दूसरा टेक्निक ये होती है कर्ल्स की कि आप अपने स्ट्रेटनर को और ज़्यादा ट्विस्ट कर लें। नाउ अगेन मैं अपना स्ट्रेटनर रखूँगी और मैं इसको घुमाऊँगी, ऊपर की तरफ स्ट्रेटनर लेकर आऊँगी और इसको एक और बार जो है मैंने टर्न कर दिया है और नीचे ले जाते वक्त मैं इसको टर्न ही करती रहूँगी। थोड़े से देखें आप टाइट कर्ल्स हो गए, डिफरेंस देखा जाए तो ये थोड़े से लूज कर्ल है और ये थोड़े से टाइट और बाउंसी कर्ल्स है, ऐसे करेंगे। सो मैं यहाँ से जो अपने स्ट्रेटनर को रखूँगी एंड देन उसको नीचे लेकर आऊँगी स्टॉप और अपने स्ट्रेटनर को ट्विस्ट करेंगे, इस बालों को पीछे लेके जाएंगे, स्ट्रेटनर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर से ट्विस्ट करेंगे, उसको पूरा घुमा देंगे नीचे हलाते हुए, तो आपके पास जो है वो दो टर्न्स हो जाएंगे एंड देन उसको नीचे लेकर आएंगे। यहाँ से मेरे बाल जो है वो निकल गए थे, उसको फिर से कर लेते हैं। लग रहा है कि कर्लर से ही किए हुए हैं बट यू नो कि ये कर्लर से नहीं हुए, ये स्ट्रेटनर से हुआ है। तो इसको भी अच्छी तरह से मैं कॉम कर लेती हूँ, देन स्ट्रेटनर को ग्रैब करूँगी एंड देन होल्ड ट्विस्ट, बालों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड देन आई एम गोना मेक श्योर कि मैं एक और बार इसको ट्विस्ट कर लूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक ये ट्विस्ट है और एक ये ट्विस्ट है। देखें पीछे वाले बाल सारे हो चुके हैं, ये वाले जो इतने सारे बाल है इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सो सेक्शन नंबर वन जो है वो मैं मिडल पार्टिंग अपने हिसाब से ही मैं करती हूँ, मुझे अपने बालों का पता होता है। मोस्टली मैं इस तरह से मिडल पार्टिंग करी होती हूँ बालों की। सो मैं इस ये वाले बालों को ऐसे ही छोड़ दूंगी और इस वाले बालों को वापस से टाई कर लूंगी, इसको हम एंड में करेंगे। अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, मैं बालों को कॉम करूंगी, मैं सीरम यूज करूंगी सो दैट बहुत ज़्यादा हीट ना लगे बालों को, स्पेशली दी एंड्स, मेरे एंड्स हमेशा जल जाते हैं। अब मैं अगेन वही प्रोसेस करूंगी, स्ट्रेट लेकर आऊंगी एंड देन मैं इसको ट्विस्ट करूंगी एंड देन मैं इसको नीचे लेकर आऊंगी। नीचे आते हुए मैं एक और बार इसको ट्विस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास दो दो ट्विस्ट आ रहे हैं, सो ये विजिबल होना चाहिए आपको। वंस आपका हाथ बैठ जाएगा ना स्ट्रेटनर पे, आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी। फिर भी बहुत सारे ट्राइज के बाद ये समझ में आया था कि इसको ट्विस्ट कैसे करना है, टर्न कैसे करना है। मैंने खुद प्रैक्टिस की एंड देन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं ये वाला स्ट्रेंथ ले रही हूँ, यहाँ तक लेकर आएंगे स्ट्रेटनर को, स्टॉप, फिर इसको ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है आपको ट्विस्ट करते हुए, बालों को पीछे लेकर जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, ट्विस्ट अगेन, ठीक है, बालों को पीछे लेके जाना है और नीचे की तरफ आना है। मैं इस स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखती हूँ सो दैट ये लूज ना हो जाए, अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो वो लूज हो जाएगी और वो स्ट्रेटनर से बाहर आ जाएगी। ट्विस्ट, ये वाली स्ट्रैंड को पीछे लेकर आना है, 45 डिग्री के एंगल पे रखना है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्विस्ट इट अगेन और इसको हम लेकर आएंगे नीचे की तरफ। ये इतने बाल है, ठीक है, जो फेस को फ्रेम कर रहे होते हैं, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इनको जो है वो छोड़ दूँ। इसको मैं यूजुअली कर्ल नहीं करती हूँ, मैं इसको स्ट्रेट रखती हूँ। मैं सिंगल कर्ल रखूँगी क्योंकि ये फेस पे आएंगे तो मुझे इतने ज़्यादा शार्प जो है वो कर्ल्स नहीं चाहिए फेस पे, सो मैं इसको सिंगल कर्ल ही रखूँगी। सो सिंगल, अब मैं इसमें थोड़ी सी फिंगर्स घुमा के इसको थोड़ा सा ओपन कर लूँगी। ये
ये वाले जो बाल मैंने छोड़ दिए थे पार्टीशन पे रखती हूँ बालों को। नॉर्मली जैसे मैं स्ट्रेट करती हूँ मैं इन बालों को वैसे ही स्ट्रेट करूंगी। और ये जो बेबी हेयर है ये भी इस तरह से आ रहे तो ये मुझे अच्छे नहीं लगते। वैसे तो आपको बेबी हेयर को स्ट्रेट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कौन समझाए मुझे, मैं तो अपने बाल बर्बाद करने पे ही भुली हुई हूँ। ओके दैट्स इट, इतना ही था। पीछे से मैं आपको लुक दिखा दूँ कि पीछे से बाल कैसे लगते हैं। Hope you have enjoyed it. So you need to make sure कि आप practice करें, एक अच्छा सा straightener में invest कर लें, उससे यही होगा कि आपके पैसे बच जाएंगे curler के और आपके बाल straight भी हो जाएंगे। जिस दिन आपको straight करना है आप बाल straight करें, जिस दिन आपने curl करना है आप उसी straightener से अपने बाल को curl कर सकते हैं। Bye everyone.